देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी उबर ने आज अपने एक बड़े अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया है। उबर टेक्नोलॉजी के टॉप एग्जीक्यूटिव अमित सिंघल को एक संगीन आरोप के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि अमित सिंघल पर पिछली कंपनी में यौन शोषण का आरोप था, जिसके चलते अमित को नौकरी से निकाल दिया। आपको बता दें कि इससे पहले गूगल में काम करने के दौरान उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था। उसके बाद वहां से उन्होंने इस्तीफा देने के बाद तकरीबन एक महीने पहले उबर में सॉफ्टवेयर हेड के रूप में ज्वाइन किया था। यहाँ वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर थे। वहीं इस मामले में अमित सिंघल ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि अपने पिछले दो दशकों के करियर में उनके खिलाफ ऐसे कोई आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने गूगल को स्वेच्छा से छोड़ा था। वहीं इस मामले में फिलहाल उबर और गूगल दोनों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उबर से पहले करीब 15 साल तक अमित सिंघल गूगल में सर्च टेक्नोलॉजी के हेड थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान गूगल की तरफ से कहा गया था कि सिंघल वहां से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अब मामले में नया मोड़ आ गया है। ऐसे में सच क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।